नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस। अब सुनिएगा, थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मैं टू वेरिएबल्स की बात करता हूं और वो टू वेरिएबल किस टाइप के हैं, बुलियन, लाइक एक्स वाई, इससे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, चार, क्योंकि ये बुलियन वेरिएबल्स हैं। बुलियन का मतलब होता है जीरो या वन, हा या ना। नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात देखिएगा, अगर मेरा फंक्शन बुलियन टाइप का है तो या तो ये सारे जीरो हो सकते हैं, है ना, या ये सारे वन हो सकते हैं, या फिर ये तीन जीरो हो और एक वन हो सकता है, या तीन वन एक जीरो हो सकता है। ऐसे सच कितने फंक्शंस पॉसिबल है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस, है ना। नाउ अब वो ध्यान से मेरी बात देखना, हर एक आउटपुट या तो जीरो होगा या वो वन होगा, क्लियर है। कितने कॉम्बिनेशंस, दो 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 दो। अगर वो ऊपर जीरो या वन कुछ भी हो, उसका दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी है, नहीं है जनाब। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज टू की पावर फोर, है ना। और जैसा कि आप खुद जानते हैं, ये टू की पावर फोर इसलिए आया क्योंकि ये टू वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस थे। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं टू की पावर टू, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। नाउ उसी तरीके से अगर मैं थ्री वेरिएबल्स की बात करता हूं, चलते हैं एक्स वाई जेड। नाउ जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन वन वन। नाउ हर जगह पर आउटपुट जीरो या वन हो सकता है, क्योंकि हम बुलियन फंक्शंस की बात चल रही है। जब बुलियन फंक्शंस की बात चल रही है तो जीरो वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन, है ना। नाउ कितनी, टू की पावर एट। मेरे पास चॉइसेस हैं कि इन दोनों में से एक भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकता हूं, विच इज इंडिपेंडेंट कि मैं दूसरी बार क्या यूज करूंगा, विच इज फर्दर इंडिपेंडेंट, तो ये सब पॉसिबिलिटी मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। टू इंटू टू इंटू टू एट टाइम्स, है या ना, कोई डाउट। तो ये निकल के क्यों आया कि एट है, वो एट इसलिए है क्योंकि ये टू की पावर थ्री है, है या ना, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं हो रहा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात देखना, यहां पर चलो ये मैं एक काम करता हूं, अब लिखता हूं टू की पावर थ्री। जहां थ्री कौन है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहां टू कौन है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये टू कौन है, ये टू की पावर थ्री कॉम्बिनेशन क्यों बने, क्योंकि आपके वेरिएबल का नेचर कैसा था, बुलियन, है ना। यहां पर टू की पावर टू क्यों बने, क्योंकि यहां पर हमारे वेरिएबल का नेचर था बुलियन। अगर ये बुलियन की बजाय टर्नरी होते तो ये सारे के सारे जीरो वन और टू, तीन कॉम्बिनेशन होते हैं, तो तीन इंटू तीन, ये थ्री की पावर टू,
9 कॉम्बिनेशंस होते हैं इस तरीके से। बात समझ में आई? ये आपके कॉम्बिनेशंस। हम लोग अगर मैं किस तरीके से ये वाला केस रहता तब नौ, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो दूसरा दो है वो है नेचर ऑफ वेरिएबल, हाँ या ना। और सबसे लास्ट वाला जो टू है वो क्या है, आपका फंक्शन किस टाइप का है। तो इट इज नेचर ऑफ फंक्शन। नाउ ये बात आप हर हमेशा याद रखना, जब आप ऐसा कर लेंगे तो हमारा जो ये फॉर्मूला निकल के आया है वो किसी भी टाइप के फंक्शन, साथ में किसी भी टाइप के वेरिएबल और कितने भी वेरिएबल के साथ मुझे आंसर निकाल करके वो दे देगा। बात समझ में आई? चलते हैं। सबसे पहले नया सॉल्व करने से पहले इस फॉर्मूले को इस दोनों एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लेते हैं, है या ना। नौ तो यहां पर ये 2 to the power 3 लिखने की बजाय एक्स की पावर वाई की पावर जेड ऐसा मैच कर दीजिएगा, एक्स की पावर वाई की पावर जेड। नौ सबसे पहले हाउ मेनी बुलियन फंक्शंस बोला ना, तो बुलियन फंक्शंस का मतलब नीचे टू, टाइप ऑफ वेरिएबल बुलियन और कितने वेरिएबल टू, तो 2 to the power 2 विच इज ये आपका आ गया दैट इज नथिंग बट 16। उसी तरीके से अगर मैं इनकी बात करता हूं तो टाइप ऑफ फंक्शन बुलियन, टाइप ऑफ वेरिएबल बुलियन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल आपका 3, तो इससे आ गया 2 to the power 8 256 फंक्शंस। बात समझ में? और अपकमिंग लेक्चर में हम इन्हीं के वेरिएशन सीखेंगे। इज देयर एनी डाउट?